क्षेत्रीय किताबें नाजिल हुई? आंसर नहीं बोलना है, आप आंसर बोल के क्वेश्चन खराब कर देते हैं। ठीक है, बोलिए, पूरा बोलिए। चार। नाम के साथ बोलिए। वेरी गुड, नाम लिखाइए। वेरी गुड, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये चार किताबें हैं जो आसमान से नाजिल हुई हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कौन सा नाजिल भाई, थोड़ा सा आपको डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका टीम हो जा रहा है। कितने आदमी आटो, कितने आदमी आओ आओ आओ। अब ये बच्चे ठीक है, आज लाइन में आ जाओ बाबू, लाइन में आप देखो सवाल करेंगे भाई, जवाब कोई नहीं देगा, इसका जवाब कोई नहीं देगा, है ना। जो सवाल कर रहे हैं वो बच्चे आए हैं, वही जवाब देंगे और कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, आराम से ध्यान रखो। हम लोग के जो भाईजान है विमान से कंप्यूटर एजुकेशन के ऑनर सामने में है, वही सवाल कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो और वही जवाब देंगे। जो भी पास गए हो कभी, गए हो कितनी बार गए हो, दो तीन चार गए हो, तो जुबली पार्क की स्थापना कब हुई? चारों में से जिसको आंसर मालूम है वो हाथ उठाएंगे। देखिए, जवाहर नगर के रोड नंबर 9 हेल्पिंग हैंड कमेटी सनी मिर्जा जिसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया है रोड नंबर 9 नीचे की जानिब, जहां पर छोटे बच्चे इस क्विज कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। 2, 3, 4, 5 क्लास के बच्चे हैं और उनसे जनरल क्विज, ज़्यादातर उस तरह के क्वेश्चंस, उस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ कुछ इस्लामिक क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, और उन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, कुछ प्राइज दिए जा रहे हैं कमेटी की ओर से, और ये महज बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम है। और आज 11 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर बच्चे इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं वहां पर वर्बली जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बच्चे अपना हैंड ऊपर कर रहे हैं और जिसके बाद उस सवाल का जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ प्राइज देकर सम्मानित किया जा रहा है, कुछ प्राइज भी दिया जा रहा है। 1958 राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन है, देखिए चलिए हम सनी मिर्जा है उनसे हम बात करेंगे। सनी भाई लाइव है इस वक्त और क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं आप लोग, क्या क्विज कंपटीशन है, किस प्रकार से इसमें बच्चों को फेलिसिटेट किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो कंपटीशन हो रहा है हम वहीं पे आ जाएंगे, आप वहीं खड़े रहिए, हम वहीं आ जाएंगे जी। ये कॉम्पिटिशन हम लोग बच्चे के लिए, प्रतिभा के बारे में जाना जा रहा है कि बच्चे क्या क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हाथ उठाइएगा ठीक है, और बच्चों का तालीम किस स्कूल में अभी चल रहा है। मैं जो क्वेश्चन जो बच्चे लोग हैं उन्होंने कंपटीशन के लिए हम लोग खास कर बच्चा लोग जानना चाह रहे हैं कि बच्चा लोग कितना हम लोग क्वालिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चा लोग को सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल में ही देख लिया, प्रैक्टिकल बच्चा लोग भूल गया, कितने लोगों को नहीं मालूम कि प्रैक्टिकल गेम क्या हो रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है ना, फुटबॉल खेल रहा है ना, कोई काम कर रहा है कुछ ऐसा, खाली वो मोबाइल पे दिन गुजार रहा है। हम घर वालों को बोलेंगे मोबाइल से निकालिए बच्चे लोग, मैदान में मोबाइल में चलाने से दिन भर ये नहीं होगा, दिन भर मोबाइल बच्चे लोग को दे के आप अपना फ्यूचर बर्बाद करा रहे बच्चे लोग का, उन लोग को मालूम नहीं है कि माने घर कहाँ, घर से निकल के मैदान कहाँ है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हम लोग कुछ कॉम्पिटिशन करा रहे हैं इसे बच्चे लोग को भेजिए, और जो बच्चे हैं
नेक्स्ट मंथ फिर हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। उसमें बहुत ही अच्छा बच्चा लोग प्रोग्राम होगा, कुछ कॉम्पिटिशन भी होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं बच्चा लोग को मोबाइल से दूर करें। मोबाइल बच्चा लोग का लाइफ नहीं है। क्या क्या प्राइस दे रहे हैं बच्चों को आज? बच्चों को बैग दे रहे हैं, किट्स है, वाटर बोतल है, बैडमिंटन है, रैकेट है, पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है, डिनर है, टिफिन बॉक्स है। बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकरम है कि बच्चे उत्साही दिख रहे हैं और हमारे बस्ती के बच्चे बहुत ही ज्यादा क्वालिफिकेशन है। हमको दिल से अच्छा लगा ये प्रोग्राम करा के कि बच्चे को तालीम अच्छा मिल रहा है स्कूल में। मैं सभी स्कूल से गुजारिश करूंगा कि बच्चों को अच्छा से अच्छा तालीम दिया जाए और हमारे बच्चे बहुत बहुत ही एक्साइटेड है। आप जैसे देख रहे हैं बच्चा लोग का कि प्रोग्राम बहुत बहन जो बच्चे खड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सनी मिर्जा थे और जमशेदपुर कॉम्पिटिशन के बारे में ये बता रहे थे किस प्रकार का क्विज कॉम्पिटिशन। आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज बाय हेल्पिंग हैंड कमिटी और ये एकमात्र क्विज कॉम्पिटिशन है जो कि आज दिन के 10:30 से 11 बजे से शुरू हुआ और यहाँ पर कई प्रकार के प्राइज है जो बच्चों को फेलिसिटेट किया जा रहा है और सम्मानित किया जाएगा इस क्विज कंपटीशन के बाद में, जिसमें बैग, बैडमिंटन और भी कई सारी टॉयज है, पेन है। बार बार हाथ उठा देते हैं आप लोग, रूल्स भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाज में बेहतरी के लिए और ऐसे बच्चों को और हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी भी पूरा आंसर नहीं हुआ है। पूरा आंसर बोलिए, आप आइए। सभी बच्चों को चांस देना चाहिए। वन बाई वन। महेंद्र सिंह, एमएस धोनी। नहीं, अभी भी पूरा आंसर नहीं मिला मेरे को। एक और। नहीं, अभी भी नहीं आंसर है। अच्छा, इधर गार्जियन से मैं पूछूंगा, अगर गार्जियन में किसी को मालूम है तो प्लीज। रुके रुके, थोड़ा पहले बच्चों को देख लें, उसके बाद गार्जियन को देखें। गार्जियन में किसी, इधर में बच्चों को किसी को मालूम है एमएस धोनी का पूरा नाम? महेंद्र सिंह। ठीक है, राइट आंसर, वेरी गुड। महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी इज द फुल नेम ऑफ। नहीं, फिर दूसरे बच्चों देखिए, कई सारे अनुभवी लोगों को भी इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि महेंद्र सिंह धोनी का पूरा नाम क्या है। महेंद्र सिंह पान सिंह धोनी, एक छोटे से बच्चे ने बताया है एम एस धोनी का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों की प्रतिभा इससे नजर आ रही है कि बच्चे कितने वेल क्वालिफाइड है और अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा उन्हें मिल रही है और वो जानकारी रखते हैं जनरल क्विज और जनरल क्वेश्चन को लेकर, जो दिनचर्या है उसको लेकर, आम दिनों की जो हमारी ज़िंदगी उसमें क्या क्या चीज़ें घट रही है उसको लेकर। तो एक अच्छा संकेत है बच्चों के लिए और कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड कमेटी इसके लिए सराहनीय कार्य है, अच्छा काम कर रही है जो बच्चों को। हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। जमशेदपुर, चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। आजाद रिपोर्ट, उसके बाद आप लोग बैठ जाइएगा, ठीक है।